हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक अनदर ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं सासाराम, शेर शाह सूरी का मकबरा देखने। रास्ते से गुजर रहे थे तो यहां पर ये छोटा मोटा प्लांट है, ये हमें दिखा। अब इस प्लांट को दिखाने का मकसद क्या है, बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जो बिहार से हैं, जो चाहते हैं कि हम छोटा मोटा उद्योग लगाएं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता है। अब पैसे नहीं होने के कारण वो उद्योग नहीं लगा पाते हैं। अभी रिसेंटली बिहार सरकार के तरफ से एक योजना चल रहा है जिसका नाम है उद्यमी योजना। इस योजना में आपको 10 लाख रुपया सरकार देती है, जिसमें 5 लाख रुपया आपका सब्सिडी रहता है, अनुदान रहता है, और 5 लाख रुपया आपको 84 किस्तों में वापस करना रहता है। तो इस तरह का छोटा मोटा उद्योग आप लगा सकते हैं। ये जो उद्योग है आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे से, ये किरिच, जो पीच वाला रोड बनता है ना, वो किरिच वाला रोड पर ये पीच डलाता है, उसका काम होता है। चलिए आपको पूरा ओवरव्यू दिखाने का हम काम करेंगे। यहाँ पर एक डीजी है, हालांकि जिस जगह पर मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ से बारून कुछ ही किलोमीटर है, और बारून जो कि डेहरी से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, सोन के किनारे में बसा हुआ बारून ये शहर, जहाँ पर आपको ये काशी वाला जो घास है वो बहुत सारा देखने को मिलेगा। तो ये है प्लांट, छोटा प्लांट, इधर साइड में है डीजी, और ये जो प्लांट है आप देख सकते हैं, इसी में छोटा छोटा जो ये गिट्टी है, देख पा रहे होंगे आप, ये जो गिट्टी है इसमें, ये किरिच में जो पीच होता है ना, जो हम लोग अपनी भाषा में उसको पीच बोलते हैं, उसको मिक्स करता है और फिर रोड पर लगाया जाता है, जो पीच वाला रोड तैयार होता है। ये डायनेमो सिस्टम वगैरह लगा हुआ है। तो इस तरह का उद्योग आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इसमें हम समझते हैं कि खर्च तो ज़्यादा आएगा, लेकिन क्या है कि आपको सरकार यहाँ पर प्रोत्साहित कर रही है कि आप उद्योग लगाइए, ठीक है, और उद्योग लगाइए, उद्यमी बनिए और अपना काम शुरू कीजिए और लोगों को रोजगार भी दीजिए। देख सकते हैं जो हम पीच की बात कर रहे थे वो यही पीच है, यही ड्राम में रखा हुआ ये पीच है, जो गिट्टी रोड पर डाल करके और इस पीच को डाला जाता है, ठीक है। तो इसका दिखाने का मकसद मेरा यही था कि अगर आप भी इस तरह का उद्योग लगाना चाहते तो इससे आइडिया आपको मिल जाएगा। आई थिंक यहाँ से पिच तैयार हो करके यहाँ से सप्लाई इस ड्राम में जाता है और फिर गाड़ियों द्वारा रोड पर भेज दिया जाता है। ये पूरा प्लांट का ओवरव्यू दिखाने का हमने आपको प्रयास किया। देख सकते हैं आप यहाँ पर। चलिए, हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ घंटी वाला बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इस चैनल पर सिर्फ ब्लॉग आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिहार के साथ साथ झारखंड, इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, हम धीरे धीरे स्लो और ट्रेवलिंग के साथ घूम रहे हैं और आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में सासाराम की धरती से। बहुत बहुत धन्यवाद।